जैसा कि हम कोरियोग्राफी में आगे के दो तीन चैप्टर ले चुके हैं, क्लासेस ले चुके हैं, तो आज वापस हम इसी को लास्ट में कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन। रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने पास? जैसे कि हमने पहले स्टडी किया ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से भी कुछ डिसएडवांटेज है जिसको हमें यहाँ पे कुछ एडवांटेज के फॉर्म में यहाँ पे जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है रोटेटिंग उसके अंदर ज़्यादा मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड हैज़ द डिसएडवांटेज दैट इट कैन नॉट बी यूज एट द हायर पोटेंशियल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द मर्करी, देयरफॉर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज इन सच केसेस। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अपने आप में जो भी अपने पास मर्करी है, मर्करी जो हमारे पास ड्रॉप के फॉर्म में आ रहा है, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Hg+ और Hg+2 के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से क्या होगा कि हम थोड़े जो वोल्टेज की रेंज है उसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब जो हमारा ग्राफ है उसकी रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि मर्करी में है तो रेंज कम है, और जैसे हमने प्लेटिनम वाला लिया तो रेंज हमारे पास ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंटली वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। If the platinum electrode is a stationary, then the diffusion current will be slowly attained. And so, to avoid overcome this problem, the platinum electrode rotated at the constant speed, and which result in the increasing the sensitivity and the rate of the attaining the steady diffusion current. तो यहाँ पे overall concept एक question आता है अपने पास कि हम जो rotating platinum electrode है उसको बिना rotate किए भी तो use में ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रोटेशन क्यों करा रहे हैं, रोटेशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास जो डिफ्यूजन करेंट आ रहा है वो स्लोली अटेंडिंग हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाएगी, तो जिसकी वजह से हमको जो ग्राफ मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम कंसंट्रेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज स्टेशनरी दैट अ डिफ्यूजन करेंट विल बी स्लोली अटेंड। तो अगर हमारे पास जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे मतलब घूम नहीं रहा है, स्टेशनरी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डिफ्यूजन करेंट होगी वो स्लोली अटेंड होगी। अब अगर मान लो उसको रोटेट कर दिया तो रोटेट करने से क्या होगा कि स्टेडी करेंट हमारे पास इजीली मिल जाएगी, इजीली हमारे पास मिलेगी तो उसकी वजह से ग्राफ हमारा अच्छा आ जाएगा। सो द ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो उसके लिए उसको हम रोटेट करते हैं, एंड विच रिजल्ट इन द इंक्रीज द सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है रेट ऑफ अटेंडिंग द स्टेडी डिफ्यूजन करेंट, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा चार्ज को उसकी तरफ एक्सेप्ट कर पा रहा है, चार्ज ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा चार्ज का रोटेशन हो रहा है, ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है, तो हमारे पास जो डिफ्यूजन करेंट है उसका अमाउंट भी हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोड है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, किस वजह से, जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे हमने एक कॉपर वायर लगाया हुआ है, कॉपर वायर के लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटिनम वायर की हमारे पास एक शीट होती है जिसके ऊपर हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये शीट होगी। तो देखो कंस्ट्रक्शन में 6 से 7 mm का हमारे पास ये देखिए अपने आप में ट्यूब होगी, कॉपर वायर यहाँ पर लगा हुआ है, मर्करी रिजर्वायर हमने यहाँ पर भरा हुआ है उसके अंदर, और ये हमारे पास यहाँ पर प्लेटिनम वायर, जो प्लेटिनम का जो हमारे पास वायर है जो यहाँ पे लगाया हुआ है वो अपने पास क्या हो रहा है, एक रोटेट कंडीशन में रहता है। तो ये अपने आप में रोटेट होता रहेगा, तो रोटेट होने के साथ साथ यहाँ पे अपने पास इफेक्ट जनरेट होता रहेगा, और ऊपर हमने मर्करी भरा हुआ है तो दोनों की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसकी वजह से जो हमारे पास डिफ्यूजन करेंट है वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पर उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज evident from the figure, जो था हमने फिगर अभी देखा, the electrode is constructed from the standard mercury seal, तो हमने क्या कर दिया, एक रिजर्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे पास है उसके अंदर जो वायर जो हमारे पास गुजर रहा है उसके ऊपर हमने मर्करी के हमारे पास एक सील के फॉर्म में वहाँ पर बनाया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट द 5 mm प्लेटिनम वायर हैविंग द 0.5 mm डायमीटर बिलो द स्टेशनरी मर्करी सील by the passing through a small hole. A wire from the mercury seal is connected to the source of the applied voltage and the tubing forms the stem
of the electrode which is rotated at a constant speed of the 600 rpm. तो ओवरऑल जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा तो यहाँ हम क्या करें, एक हमारे पास जो मर्करी का है रिजर्वायर है, इसके अंदर से ही अपने पास में एक वायर अपने आप में एक वॉल के अकॉर्डिंग जा रहा है कॉपर वायर, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे प्लेटिनम वायर से कनेक्ट किया हुआ है। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, दोनों के अंदर हमने जब पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट कर सकते हैं, अब यहाँ से इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होगा उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट आएगी उसको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये वायर अपने आप में यहाँ पे मोटर से जुड़ा होता है, जो कि मोटर अपने आप में घूम रही है तो उसकी वजह से वो वायर भी अपने आप में रोटेट हो रहा है। तो 600 rpm की जहाँ पे स्पीड रहती है तो यहाँ पे रोटेशन हमने क्यों रखा है, ताकि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए और डिफ्यूजन करंट हमें सही ढंग से मिल जाए। इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग देखें तो रोटेटम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड टू द एनालिटिकल सॉल्यूशन सपोर्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक द कैसियन इज एडेड दैट इज 50 to 100 टाइम्स ऑफ द सैम्पल कंसनट्रेशन द प्योर नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू द सॉल्यूशन टू एक्सपेल आउट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड एंड टाइट्रेशन इज स्टार्टेड A graph is plotted between the volume of the solution added and diffusion current at the end point is detected. जैसा कि हमने पहले भी इसको स्टडी किया है, जब हमने ग्राफ बनाया है तो अब यहीं पे हमने क्या कर दिया, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जिसको हम इंडिकेटर के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था एक सपोर्टिंग एनालाइट, तो सपोर्टिंग एनालाइट के फॉर्म में हमने वहाँ पे भी यूज किया था कैसियन, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से कैसियन को यूज में ले रहे हैं और उसके अंदर जो हमने इमल्स गेट कर रहे हैं वो नाइट्रोजन गेस कर रहे हैं। नाइट्रोजन बबलिंग से क्या होगा, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई डिजोल्व फॉर्म में अपने पास में कोई गैस है जो रिएक्टिव फॉर्म में है तो वहाँ से निकल जाएगी। तो जनरली हम डिजोल्व गैस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली हमारा कंसर्न ऑक्सीजन से होता है, जो कि उसके अंदर ऑक्साइड बना सकती है, कोई रिएक्टिविटी कर सकती है, ऑक्सीडेशन कर सकती है, तो वहाँ से निकल जाए। साथ के साथ ही इस इलेक्ट्रोड के एनालाइट सॉल्यूशन के साथ में हम एक ब्यूरेट को भी अटैच कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर रहे हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी को हम चेंज कर दें और उस कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें डिफ्यूजन करंट की अलग अलग वैल्यू मिल जाए। तो इससे होगा क्या, जो ब्यूरेट रीडिंग से अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्स एक्सिस का हम क्या करेंगे, जो ब्यूरेट रीडिंग के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम आ रहा है उसको ले लेंगे और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो डिफ्यूजन करंट आ रही है उसको हम ले सकते हैं। तो इस कंडीशन से हम एक कैलिब्रेशन कर्व भी बना सकते हैं, ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उसके हर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग पैरामीटर की भी हम यहाँ पे स्टडी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरीके से हमने रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को स्टडी किया। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोग्राफी में देखें तो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है अपने पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट हेल्प इन द कैरेक्टराइजिंग ऑफ द ऑर्गेनिक पैटर्न एंड द वेरियस मेटल interaction from the half wave potential of the current vs voltage. Because of your studies, the half wave potential is a characteristic nature of the electrolyte, the which type of the electrolyte we are using. So that is the specific characters that where we have knowledge about for the boiling point and melting point is a specific for a pure compound. That way the half wave potential is a identity for a electrolyte and which type of the electrolytes and which type of the compound we have used for the solution. तो इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास हमने वहाँ पे यूज में लिया है। तो यहाँ पे हम वही वाला कर्व जो हमने ग्राफ पहले बनाया है करंट वर्सेस वोल्टेज उसको प्लॉट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हाफ वेव पोटेंशियल जो हमें मिलेगा उससे हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर किसी तरह का इंटरेक्शन है तो उसको भी हम वहाँ पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स वी आर मेजरिंग ए अमाउंट एंड शोइंग द कंसंट्रेशन इज एज ए मेजरेबल वे। तो मेजरेबल वे में हम दे रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि डिफ्यूजन करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। तो यहाँ पे हम ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो फार्मास्यूटिकल के अंदर जो हम ड्रग दे रहे हैं अगर किसी तरह की मेटेलिक इम्प्योरिटीज उसके अंदर है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है डिटरमिनेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या मिलेगा, कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में जो कंपाउंड है उसको भी हम यहाँ पे इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड,
Polarography is used in the determination of the structure, quantitative analysis of the mixtures of the organic compound. तो यहाँ पे हमने determination, structure के determination में हम उसको use में ले रहे हैं. कैसे ले रहे हैं कि हमने कोई compound लिया तो उसकी एक स्पेसिफिक जो हमारे पास हाफ वेव पोटेंशियल हमें मिल रहा है तो उससे हमें क्या पता पड़ जाएगा कि ये कंपाउंड क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका अमाउंट भी पता कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेसिफिक नेचर जो उसका हाफ वेव पोटेंशियल है वो पोलेरोग्राफी से हमें यहाँ पे पता पड़ जाएगा. फिफ्थ हमारे पास आ रहा है एस्टिमेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द पोलेरोग्राफी. तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसके आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें पोलेरोग्राफी से एक एपरेटस और हमको अटैच करना पड़ता है जहाँ पे हम उसके मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं और उससे हम ऑक्सीजन के अमाउंट को वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. जैसा कि तुमने पढ़ा होगा कि पहले अगर हम 11th क्लास में तुमने पढ़ा हो तो अपन कॉपर के ऑक्साइड निकालते थे और उसको वे करके कॉपर मेटल को और उसके ऑक्साइड को वे करके हम ऑक्सीजन के अमाउंट को एब्जॉर्ब करके निकाल सकते थे. उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कुछ जो एसिड है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनके वेइंग में डिफरेंट के अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे निकालते हैं. तो अलग अलग मेथड्स हैं जो कि इसके साथ अटैच करने पड़ते हैं. फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड कैन बी एनालाइज बाय द पोलेरोग्राफी. तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जैसा हमने आगे पढ़ा वैसे ही. तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड की प्योरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके आयनिक नेचर को हम देख सकते हैं, उसके अंदर आयनिक इम्प्योरिटी को हम देख सकते हैं. तो ओवरऑल इट इज़ ए सो इम्पोर्टेंट एपरेटस फॉर द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन. तो इस तरीके से हमने ओवरऑल पोलेरोग्राफी को कम्प्लीट कर लिया है. थैंक यू.